नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू 48 ऑटोमोबाइल्स। मैं आपका होस्ट रोहित अपने भाई करण के साथ आज आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो लेके आने वाला हूँ। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, दिस इज द ऑल न्यू टाटा मैजिक गोल्ड। अब ये जो है आपको कोई नॉर्मल वॉक अराउंड वीडियो नहीं होने वाला है। आज हम लोग इसका एक जो बिजनेस प्रोपोजिशन है ना, वो डिस्कस करने वाला है कि आपको ये जो पर्टिकुलर व्हीकल है आपके बिजनेस को कैसे आगे बढ़ा सकती है, या आप इसके साथ कैसे बिजनेस चालू कर सकते हो, वो कैसे कमा सकते हो, उसके बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इसके जो सारे एस्पेक्ट्स है वो अच्छी तरह से पता चल जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू 48 ऑटोमोबाइल्स। चलिए शुरू करते हैं। करंटली अगर आप इंडिया को एक एज ए मार्केट लेते हो तो उसके अंदर सबसे बड़ा चैलेंज है लास्ट माइल ट्रांसपोर्टेशन। उसके अंदर आज के तारीख में जो इशू है, मोस्टली लोग ऑटोज में चलते हैं और ओवरलोड करके चलते हैं ताकि उनका टाइम बच जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग एक उसके अंदर जाए, तो वहां पे वो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि ओनली 4 सीटर के अंदर 10-15 जन चढ़ चढ़ के जा रहे हैं। तो उस एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टाटा मैजिक एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाता है। ये जो है टाटा मैजिक अभी 9+1 सीटर में आ जाती है विथ पेट्रोल, बहुत ही बढ़िया ऑप्शन बनने वाला है इस पर्टिकुलर गैप को फिल करने के लिए। तो चलिए अब आपको दिखा देता हूँ एज अ बिजनेस प्रोपोजिशन ये कैसे हेल्प करने वाला है। तो इस गैप को फिल करने के लिए सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है ये टाटा मैजिक। तो आपको एक विन विन सिचुएशन हो जाता है क्योंकि कस्टमर्स को भी बैठने के लिए काफ़ी अच्छी स्पेस मिल जाती है और साथ ही साथ आपको एज अ बिजनेस ओनर एक अच्छा बिजनेस प्रोपोजिशन मिल जाता है। सबसे पहला जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है इसका जो स्पेस और उसके बाद में सीटिंग कंफर्ट। अब आप सबसे पहले इसका सीटिंग कंफर्ट देख सकते हो, आपको आराम से मैं बैठ के दिखा देता हूँ। 9 लोग बड़े ही आराम से बैठ सकते हैं। आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट भी मिल जाता है, तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, तो उस हिसाब से आगे आपको एक पैसेंजर साथ ही साथ एक ड्राइवर, तो आराम से 9+1 सीटर जो है आपको ये 10 सीटर मिल जाती है। यहाँ पे 4 लोग भी बैठ सकते हैं, एक्चुअली इतनी जगह है। और अगर आप साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो अच्छा आपको हेडरूम मिल जाता है, नी रूम काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे कोई कुछ पाव किसी के लगने वाले हैं। लास्ट माइल कम्यूट के लिए तो बहुत ही सुपर्ब सी कार हो जाती है सीटिंग वाइज। अब पीछे का भी आपको सीटिंग एक बार दिखा देता हूँ। पीछे की अगर आप सीटिंग देखते हो, बड़े ही आराम से आके बैठ चुका हूँ मैं, मुझे कोई इश्यूज़ नहीं आ रहा है। तो मेरे जैसे आपको यहाँ पे 3 लोग आराम से बैठे हुए दिख जाएंगे, तो वो एक अच्छी बात है। तो यहाँ पे 3 हो गए, वहाँ पे 3, 6, 7, 8, 9 और आगे 10, तो ऐसे 10 लोग बड़ी आराम से इसके अंदर बैठ सकते हैं। आपको यहाँ पे पकड़ने के लिए ये लैचेस भी दिए गए हैं, तो ये भी एक पॉइंट ऑफ कंफर्ट है जो इसके अंदर ऐड किया गया है। अब दोस्तों ये जो है अब पेट्रोल में आ गई है, 25 HP का आपको इसमें पावर की अच्छी इंजन भी मिल जाती है, तो आपको जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ना वो कम हो जाता है। अब एज ऑफ टुडे अगर आप इसका कॉस्ट देखोगे तो अराउंड 6.25 लैक्स ऑन रोड पड़ जाएगी आपको ऑल अराउंड इंडिया। थोड़ा बहुत डिफरेंसेस होंगे उसके अंदर, बट लो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब आप एक कम इन्वेस्टमेंट में काफ़ी अच्छी एक बिजनेस शुरुआत कर सकते हो आप इसके अंदर। आपको आगे आपको इसका बिजनेस प्रोपोजिशन वो भी समझाऊंगा वीडियो के अंदर, कैसे आप इससे प्रॉफिटेबिलिटी कमाओगे वो आपको समझ में आ जाएगा। बट देन करंटली इसका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है इट इज जस्ट एट 2.65 लैक्स, जिसके अंदर आप 10 लोग को आराम से लेकर ट्रैवल कर सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। नेक्स्ट जो अच्छी बात है वो है इसके टायर्स। इसके अंदर आपको ट्यूबलेस टायर्स मिल जाते हैं। अगर आप देखोगे ज़्यादा कर करके ये जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे चलते हैं, तो वहाँ पे पंचर होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ पे उस टाइम पे अगर आपको ट्यूबलेस टायर्स मिलते हैं तो वहीं पे जाके रुकेगी नहीं आपकी, मतलब जो जो व्हीकल है आगे आप थोड़ा दूर लेके जाके इसको एयर फिलअप कर सकते हो, मतलब वो एक अच्छी बात मिल जाती है। एंड जैसे ही आप इसका पंचर को निकालोगे इट विल बी डन, तो वो एक अच्छा आपको ट्यूबलेस टायर्स इसके अंदर मिल जाता है। दैट इज़ अ बिग प्रोपोजिशन विद दिस पर्टिकुलर व्हीकल। नेक्स्ट जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है इसका फ्यूल एफिशिएंसी। फ्यूल एफिशिएंसी जो है टाटा इज क्लेमिंग समवेयर अराउंड 20 to 21 किलोमीटर्स, पर अगर आप कम से भी कम लोगे तो आपको 15 से 17 किलोमीटर आराम से मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको इसके अंदर इको मोड में भी इको मोड भी है, तो जैसे अगर आप इसको इको मोड पर चलाओगे आपकी जो फ्यूल एफिशिएंसी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी एंड आपका रनिंग कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों वो है मोर अर्निंग्स। वो कैसे, क्योंकि इसके अंदर अब जो सीटिंग कैपेसिटी है 9+1, मतलब आप 8 टाइम पे मिनिमम 9 सवारियों को लेके जा सकते हो, तो उसके अंदर आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है बिजनेस की और आपको अर्निंग्स ज़्यादा मिल जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट जो बहुत ही बड़ा पॉइंट इस पर्टिकुलर मैजिक के लिए है वो है द सर्विस नेटवर्क। अगर आप देखोगे आपको हर जगह टाटा का सर्विस नेटवर्क ऑल ओवर इंडिया बहुत ही सुपर मिलने वाला है, तो अगर आपको कहीं पे भी अगर आपकी टाटा की मैजिक को सर्विस कराना है बहुत ही अच्छी तरह से आप सर्विस करा सकते हो और वो भी कम पैसे के अंदर, मतलब वो एक अच्छी बढ़िया बात हो जाती है। इसके स्पेस के अंदर आपको कोई इश्यूज नहीं होने वाले हैं, सर्विस पॉइंट्स में आपको कोई इश्यू नहीं होने वाला है एंड जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा कम होता है व्हेन कंपेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर्स, तो ये बहुत ही बढ़िया बात हो जाती है इस पर्टिकुलर व्हीकल को खरीदने के लिए। नेक्स्ट जो बात है दोस्तों इसके बिजनेस प्रोस्पेक्टिव के बारे में, अगर आप देखते हो इस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आप डिफरेंट एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हो, जैसे कि एम्बुलेंस के लिए यूज़ हो सकता है आपको, नेक्स्ट एज ए स्कूल वैन आप इसको यूज़ कर सकते हो, एंड तीसरा एज ए पैसेंजर व्हीकल।
जो कि बहुत ही अच्छा एक प्रोपोजिशन हो जाता है। तो जो भी आज के तारीख में अनएम्प्लॉयड यूथ्स है या जो भी कोई रूरल एरियाज में अगर इस पर्टिकुलर व्हीकल को लेकर चलाना चाह रहा है, अपना बिजनेस जरूर इससे स्टार्टअप कर सकता है और ये टाटा की जो मैजिक है उनको जरूर कमाई के देखने वाली है। अब चलिए इस व्हीकल के फाइनेंसेस देखते हैं। ये एक बढ़िया व्हीकल है देश के नौजवानों के लिए जिन्हें अपना खुद का बिजनेस शुरू करना है अपने गाँव में। तो मंथली रेवेन्यू आप मिनिमम 63,000 तक की कर सकते हो, जिसमें 40,938 रुपीज़ जो है आपके एक्सपेंसेस रहेंगे और इसमें आप जो है मंथली 22,062 का मुनाफा बना सकते हो। वो कैसे आगे और बताता हूँ। तो इस व्हीकल की जो कीमत है 6,36,162 हो जाती है, जिसको आप 95,424 रुपीज़ डाउन पेमेंट देके ले सकते हो। मंथली ईएमआई इसकी आपको 12,770 रुपीज़ पड़ेगी। आपको इसका जो कॉस्ट पर किलोमीटर है वो 1.5 रुपीज़ पड़ने वाला है। अगर आप मिनिमम दिन में 10 किलोमीटर भी चलाते हो 14 सवारी के साथ में, तो अगर आप देखते हो तो आपको मंथली रेवेन्यू जो है अराउंड 63,000 रुपीज़ की हो जाती है। अगर आपको टाटा मैजिक 10 सीटर के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उसके ऊपर जाइए, क्लिक कीजिए और इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर लीजिए। दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के डिटेल्स के बारे में, या और अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो उस लिंक की अगर आप जाके क्लिक करके और देख सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू 48 ऑटोमोबाइल्स। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, ड्राइव सेफ, बी रेस्पॉन्सिबल, पीस। बाय। जय हिंद, जय भारत।